तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। मैं हूं सुरेश सिंह राणा और आप देख रहे हैं मोबाइल हीरो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कमाल के कुछ बेस्ट मोबाइल फोन। 10 फोन को देखने के बाद एक फोन को चूज करने वाली बात नहीं, क्यों ना हम उन 10 में से सिर्फ अच्छे फोन आपको बताएं। फ्रेंड्स, आज के जो फोन हम आपको दिखाने वाले हैं वो रहेंगे लगभग 20,000 से ऊपर और 25,000 के अंडर में। इन फोनों को देखने से पहले मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, मुझे कोई कंपनी फ्री का प्रोडक्ट या कोई पैसे वैसे नहीं देती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट की सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, उनकी वीकनेस यानी कमजोरियां भी बता देता हूँ। वीडियो के साथ अंतिम तक जरूर बने रहिए और अपने लिए चूज कीजिएगा एक बेस्ट 5G मोबाइल फोन अंडर 25। दोस्तों, यदि आपको कम प्राइस का मोबाइल फोन चाहिए, यानी कि 20,000 से ऊपर का चाहिए और 25,000 तक का मोबाइल फोन नहीं चाहिए, यानी 25 रुपीज आप पूरा नहीं देना चाहते हो, एक अच्छा मोबाइल फोन पड़ता है आपको MI 11X। ये एक अच्छा मोबाइल फोन है। इसमें आपको सबसे बेस्ट बढ़िया क्या है, कम प्राइस में भी आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 128GB का इंटरनल स्टोर मिल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज की मुझे जो बड़ी कमी खोलती है वो खोलती है अलग से मेमोरी कार्ड डालने का। इसमें कहीं भी ऑनलाइन में मेंशन नहीं किया गया है कि मेमोरी कार्ड डालने का तो होना ही चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये बहुत बेकार है, जो कि इसकी वीकनेस है। वैसे बात करेंगे इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4520 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। उससे बढ़िया बात इसमें मेरे को एक चीज लगती है, इसका प्रोसेसर जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का है, 888 प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। तो मेरे हिसाब से इस फोन को यदि आप कम प्राइस के हिसाब से 5G फोन लेना चाहते हो तो इस फोन के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि इस फोन में आपको जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा दिया गया है। ये मोबाइल फोन आपको मात्र पड़ जाता है 22,000 से भी थोड़ा कम। MI 11X प्रो की बात की जाए तो इसकी स्टार रेटिंग को 100 नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है वो आप खुद ही जान सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट मोबाइल फोन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मोबाइल फोन हमारे पास आता है मोटो की तरफ से, जिसका नाम है Z5G मोबाइल फोन। बात करेंगे रैम की, तो इसमें आपको थोड़ा रैम कम मिलती है, यानी 6GB की ही रैम मिल पाती है। बात करेंगे स्टोर की, तो इसमें भी आपको 128GB का इंटरनल स्टोर मिल जाता है। बट फ्रेंड्स, इसमें एक चीज अच्छी ये है कि इसमें आप 1 TB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। बाकी बैटरी की बात करेंगे तो इस फोन ये 5000 mAh की बैटरी दी जाती है, 20W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चिपसेट यानी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर मिलता है, जो कि कमाल का प्रोसेसर है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस फोन की प्राइस की, तो ये आपको 21,000 rupees के समथिंग अभी ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहो तो इस मोबाइल फोन के साथ भी जा सकते हो। मोटो 5G की स्टार रेटिंग की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 4.2 की स्टार रेटिंग, जो कि ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट फोन हमारे पास आता है कंप्लीट लगभग 25,000 रुपए का मोबाइल फोन है, और यह है Realme X50 Pro। इसमें आपको 8GB की रैम और 128GB का रोम मिल जाता है, यानी इंटरनल स्टोर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना महंगा फोन लेने के बाद भी मेरे को इसमें मुझे इसमें स्टोर यानी मेमोरी कार्ड एड करने का कोई ऑप्शन नहीं देखा, कहीं बहुत बड़ा वीकनेस फीचर है इसके अंदर। अगर आपको इसमें सच में मेमोरी कार्ड डालने का नहीं है तो 25,000 rupees इस फोन पर खर्चा करके कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर मेरे को बड़ी वीकनेस ये लगती है कि इसकी जो बैटरी आपको मिलती है वो मिलती है मात्र 4200 mAh की बैटरी, जो कि बहुत कम है आज के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो। वैसे बात करेंगे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया इसमें, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन एक वीकनेस भी रह जाती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे मैनेज करना पड़ेगा। वैसे फ्रेंड्स, एक एडवांस फीचर इसमें मेरे को अच्छा ये लगा कि इसमें आपको 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इस मोबाइल फोन को बहुत जल्दी आपको चार्ज करके दे देता है। लेकिन कहीं ना कहीं बैटरी आपकी छोटी है तो जल्दी खत्म भी तो होगी। मैं चाहूंगा यदि आप इस फोन के साथ जाना चाहते हो, मैं इसको 50-50 में रखूंगा, मैं 100% नहीं कहूंगा आप इसके साथ जाओ। प्राइस में भी ज्यादा है और इसके अंदर थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया वीकनेस भी है। Realme X50 की रेटिंग की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 4.4 की रेटिंग। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ। नेक्स्ट 5G फोन भी हमारे पास MI की तरफ से आता है, इसका नाम है MI 10i। फ्रेंड्स, इसमें आपको 128GB का इंटरनल स्टोर और 6GB की रैम मिल जाती है। चिपसेट की बात करें यानी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 750G प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं वीकनेस की बात की जाए तो इसमें भी मेमोरी कार्ड डालने का आपको कहीं शो नहीं किया गया है। दूसरी वीकनेस की बात की जाए तो इसमें भी आपको जो बैटरी मिलती है वो मात्र मिलती है 4520 mAh की, यानी कम्प्लीट 5000 mAh की बैटरी ये नहीं है, लेकिन फिर भी ओके, 5000 के नजदीकी है। और बात करेंगे इस मोबाइल फोन के प्राइस की, तो ये आपको पड़ता है 23,900 रुपए, यानी लगभग 24,000 रुपए का। और मैं इसको भी 50-50 बोलना चाहूंगा,
वैसे फ्रेंड्स इस फोन की एक चीज मुझे अच्छी लगी, इस फोन में आपको रेटिंग मिलती है 4.4 की। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट मोबाइल फोन हमारे पास आता है सैमसंग की तरफ से, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M42। बात करेंगे इस फोन की इंटरनल स्टोर की, तो इसमें आपको 128 का इंटरनल स्टोर मिल जाता है, 6 GB की रैम मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर भी मिल जाता है। और इस फोन की अच्छी चीज ये लगी मुझे कि इसमें आप एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो जो कि 1 TB तक को सपोर्ट करता है। बाकी सारे फोनों में तो आपको सब कुछ सेम ही मिलता है, लेकिन इसका मुझे सबसे एडवांस फीचर एक लगता है कि अगर सैमसंग है तो एक विश्वास है, भरोसा है। किस चीज का? कि आपको एड फ्री एक्सपीरियंस इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात, सैमसंग ने इतने कम प्राइस में इस बार आपको 750G प्रोसेसर आपको दिया है जो कि स्नैपड्रैगन का है। और बाकी रही बात सैमसंग के कैमरे वगैरह का, तो आपको पता ही है कैसा एक्सपीरियंस आपके साथ रहेगा। तो ये फोन मुझे सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट इसके लिए लगा क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है मात्र 21,580 रुपए, यानी कि लगभग 22,000 से भी कम रुपीज में आपको ये मोबाइल फोन पड़ जाता है। इन सारे फोनों में से लगभग ये सबसे सस्ता फोन मुझे लगा और सबसे एडवांस फीचरों के साथ ये मोबाइल फोन आता है। बात करेंगे इस मोबाइल फोन की स्टार रेटिंग की, तो इसको मिले हैं 4.5 की स्टार रेटिंग, जो कि काफी अच्छी है और काफी धमाकेदार रेटिंग है मेरे हिसाब से। यदि मैं खुद के लिए 5G मोबाइल फोन खरीदूंगा अंडर 25,000 और 20,000 से ऊपर का, तो मैं सैमसंग गैलेक्सी M42 को ही खरीदूंगा। तो ये फोन हर चीज में खरा उतरेगा। इस रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो विन होता है सैमसंग मोबाइल फोन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों का कहना है जो इसके एक्सपीरियंस होल्डर हैं, यानी इस फोन के भुक्तभोगी हैं। तो सारे फोनों की रेटिंग अच्छी तभी होती है जब वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आपको अच्छा सेटिस्फाई कर देते हैं। यदि आप किसी एक मोबाइल फोन को लेना चाहते हो तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। और दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटिव भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, लेकिन हम रिप्लाई उनको ही करते हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा।